जय हिंद साथियों। जी हाँ साथियों, सक्षम युवाओं को लेकर मैं बहुत बड़ी खबर लेके आए यहाँ, क्योंकि सक्षम साथियों के पोर्टल के ऊपर नया से नया अपडेट किया जाने लग रहा है और साथियों के लिए परेशानी भी बढ़ाता जाने लग रहा है, क्योंकि पीछे भी जो है काफ़ी सारे साथियों का इस प्रकार से हुआ है कि उनका भत्ता भी जो है बंद करने का काम कर दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा, क्योंकि साथियों को ना तो पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप साथी अपना अपना रिन्यूअल वगैरह कर लीजिए, नहीं तो आपका भत्ता बंद कर दिया जाओगा, क्योंकि साथी जो है कई सालों से इसी प्रकार से वेट कर रहे थे कि जैसे भत्ता उनका अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन साथियों ने जो है HRS की साइट के ऊपर अपना अपना जो है रिन्यूअल वगैरह नहीं कराया, जिसके कारण साथियों का भत्ता रोकने का काम कर दिया। उसी प्रकार से अब जो है सक्षम युवा के साइट के ऊपर कुछ नए ऑप्शन डाले गए हैं, जिसको लेके साथी परेशान हैं कि कहीं हमारा भी इस प्रकार से अगर हम अपडेट नहीं करांगे तो हमारा भी भत्ता वगैरह बंद न कर दिया जाए। तो इसीलिए आप साथियों के लिए जानकारी लेके आया। तो आप साथी जैसे पोर्टल को लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना लॉगिन कर लेते हो, अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो बना रखी है कि किस प्रकार से आप साथी जो है लॉगिन कर सको, तो वो वीडियो आप साथी देख लेना। तो हम जो है एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर आप साथियों के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करवा गया है मैनेज पर्सनल डिटेल का, ये वाला ऑप्शन है साथियों। इस ऑप्शन के ऊपर जैसे आप साथी क्लिक करोगे तो आप साथियों को यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अपडेट फैमिली आईडी का, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो पीछे वेरीफाई करी गई थी परिवार पहचान पत्र से, उसकी डिटेल यहाँ पर आप साथियों को शो कर देगा। इसके अंदर आप साथी कुछ भी अपडेट नहीं कर पाओगे। दूसरे ऑप्शन डाले गए थे अपडेट एड्रेस डिटेल का और अपडेट जो है भाई मैरिड अनमैरिड डिटेल का। तो इसका बारे में आप साथी जी बतावा कि जैसे आप अपडेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप साथियों को इस प्रकार से दिखा देगा भाई आप जो है अपना एड्रेस या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो का स्टेटस जो है आप अपडेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ यही डेट जो है दी गई है इन डेटों के अंदर आप साथी अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर पाओगे 5 सितम्बर 2023, 15 सितंबर 2023 और उससे आगे मार्च 2024 और 15 मार्च 2024। इन डेटों के बीच बीच में अगर आपकी कोई शादी हो जाती है या आपका कोई एड्रेस चेंज हो जाता है वही साथी इसके अंदर जो है अपना अपना अपडेट कर सकता है, इसलिए इन्होंने बकायदा यहाँ पे ऑप्शन डाला है। लेकिन जैसे हम तीसरे ऑप्शन के ऊपर जावा, तीसरे ऑप्शन के जो अंदर साथी इस प्रकार से डिटेल शो कर रहा है। अब कई साथी जो है चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में थे और हमने भी जो है दो तीन जगह पे डिपार्टमेंटों के अंदर बात करी है, एड ऑफिस में भी बात करी साथियों। एड ऑफिस वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डिवीज़न वाइज हमने जो है दो तीन जगह पे बात करी तो उन्होंने जो है एक दो जगह पे हमने जो है कन्फर्मेशन निकाली है और उन्होंने जो बताया है उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टेटस है जो साथी ऑलरेडी मैरिड है और जिसने फार्म फिलअप कर दिया है उसको ऑप्शन शो करेंगे साथियों इस प्रकार से वह उसका कोई डिवोर्स वगैरह हो चुका है क्या, या फिर वो कोई कानूनी उससे जो है अलग वगैरह रह रहा है क्या, और या फिर वो अनमैरिड है या फिर वो विधवा है। जो साथी मैरिड है उसको इस प्रकार के ऑप्शन शो करेंगे, क्योंकि वो उस साथी का जो डाटा है अपडेट पहले से पोर्टल के ऊपर है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी अगर कोई गलती रह गई है वह परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई डाटा मिसमैच होया हो या कोई गलती रह गई हो, तो इसीलिए उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि वो अपने ऑप्शन बदल ले। लेकिन जो साथी ऑलरेडी जिसने फार्म फिलअप कर क्या है और वो अनमैरिड है तो उसको यहाँ पे जो है मैरिड का ऑप्शन प्रोवाइड करवाया गया है ताकि वो अपनी डिटेल जो है अपडेट कर पाए कि वो खुद जो है शादीशुदा हो चुका है और उसकी शादीशुदा की अपडेट करी जावे, क्योंकि जब उसने फार्म भरा था तो वो अनमैरिड था और अब वो शादीशुदा हो चुका है। और जो साथी फिलहाल अभी मान लो कि मैरिड के तहत उसने फार्म फिलअप किया है तो उसका अनमैरिड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, उसको मैरिड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आप साथियों को मैं समझता हूँ कि आप साथी समझ गए होंगे इस मैटर को कि जिस साथी की अगर मैरिड बेस पर अगर उसने फार्म भरा कि आज मान लो वह लड़की की शादी होगी और उसकी शादी के बाद में उसके घर वाले ने उसका फार्म भरवा दिया भाई तेरा फार्म भर दिया भत्ते का, ठीक है साथियों, यानी कि वो खुद मैरिड है और उसकी फैमिली आईडी भी बन चुकी है तो उसको ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं अनमैरिड के, ताकि वो उसका उसकी फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम होगी हो और वो अनमैरिड हो वो गलती से मैरिड पोर्टल पर करवा दिया हो तो इसके अंदर आप साथी जो अपना अपडेट कर पाओगे।
अगर कोई पहले से अनमैरिड था और उसने फार्म भर दिया, उसको यहाँ पे जो है मैरिड का ऑप्शन प्रोवाइड करवा पाओगा, जो अनमैरिड था जिसने फार्म भरा था। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो है एक डिपार्टमेंट के द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी हेड ऑफिस वगैरह में ऐसी कोई भी डिटेल नहीं पहुँची है कि पोर्टल के ऊपर क्या अपडेट कराया गया। तो आप साथी जो इससे घबराएं ना, इसके अंदर बकायदा इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है कि आप साथी जो है इन डेटों के अंदर ही जो है अपनी डिटेल चेंज कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी होगी है और वो अनमैरिड थी और फिर अपना वो स्टेटस चेंज करना चाहती है, वह डिस्ट्रिक्ट भी चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए ऑप्शन जो है प्रोवाइड करवाने का काम कराया गया है और वो साथी जो है अपडेट कर सके हैं। तो इन डेटों के अंदर करने का काम दिया गया था, बस 6 से लेकर 15 सितंबर तक कर लो और फिर उसके बाद में ऑप्शन खुलेगा 1 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 लग, अगर कोई भी साथी अपना अपडेट करना चाहे तो। बाकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पे जाके कंफर्म कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आई थी जो आप साथियों को हमने जो है क्लियर करने का काम कर दिया है। ठीक है साथियों, तो यही कुछ ताज़ा अपडेट आप साथियों के लिए लेके आए थे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में साथी जो है कन्फ्यूजन में है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ नए नए तरीके अपनाए जाने लग रहे हैं जिससे साथी जो है परेशान हो रहे हैं। कहीं पे भत्ता रोक दिया, कहीं पे उनकी रिन्यूअल डेट रोक दी, साथी इस चीज़ को लेकर बहुत समस्या में रहे हैं। तो इसीलिए आप साथियों लगे यही ताज़ा अपडेट लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।